हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का मसाला किचन। आज तड़का मसाला किचन में हम सेवई फालूदा बनाने जा रहे हैं। सेवई फालूदा बहुत यमी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। सेवई फालूदा बनाने के लिए हमने लिया मोटी सेवइयाँ, जो पैकेट में बाज़ार में मिलती है वो मोटी सेवइयाँ हमने ली हैं। मोटी सेवइयों से फालूदा बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। ये देखिए कितनी मोटी सेवइयाँ हैं ना। अब हम सेवइयों को साइड में रख देंगे, हम कुछ ड्राई फ्रूट देख लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है पिस्ता, काजू, चिरौंजी। पिस्ता काजू को हमने बारीक बारीक सा पीसेस में कट कर लिया है। अब हम कटोरी लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तुलसी के बीज, इसको चिया सीड्स और सब्जा सीड्स भी कहते हैं। किसी भी शरबत में या फालूदा में तुलसी के बीज डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 गिलास पानी। पानी डालते ही देखिए तुलसी के बीज फूलने लगे हैं। ये 8 से 10 मिनट में अच्छी तरह से फूल जाते हैं। अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब इसे साइड में रख देंगे। अब दूसरी कटोरी में हम लेंगे वनीला फ्लेवर का 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को 2 बड़े चम्मच दूध में अच्छी तरह से घोल लेना है। कस्टर्ड पाउडर को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। 1 लीटर हमने दूध लिया, जिसको हमने पहले बॉयल कर लिया था। ये देखिए कितनी मोटी मोटी से मलाई पड़ी है। सेवई फालूदा बनाने के लिए फुल क्रीम दूध होना चाहिए, एकदम गाढ़ा वाला दूध। अब दूध को भी साइड में रख देंगे। आप एक बर्तन लेंगे, जिसमें सेवई फालूदा बनाएंगे। बर्तन में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। देखिए हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है। गैस के फ्लेम को स्लो रखना है। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मोटी सेवइयाँ। मोटी सेवइयाँ डाल के भी एकदम स्लो फ्लेम पे हल्के हल्के हाथों से भून लेना है, कलर चेंज होने तक भूनना है। सेवइयाँ टूटनी नहीं चाहिए, एकदम हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे सेवइयों को और कलर चेंज होने तक भूनेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट में सेवइयों का कलर चेंज हो चुका है। गैस के फ्लेम को स्लो ही रखना है। अब इसमें जो बॉयल करके और दूध रखा था ना, वो दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 6 से 7 छोटी इलायची, जिसका हमने पाउडर बना लिया था उसको ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे पकाना है। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। दूध को फिर से चला लेंगे। साइड साइड में जो मलाइयाँ हैं उसको भी छोड़ाते हुए दूध में मिक्स कर लेना है। अब फालूदा में बढ़िया सा कलर और फ्लेवर देने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी ज़ाफ़रान यानी केसर। इससे कलर और फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब इनको भी मिक्स कर देना है। देखिए मीडियम फ्लेम पे दूध कितनी अच्छी तरह से पक रहा है। साइड में जो मलाई जम रही है उसको छुड़ाते हुए दूध में मिक्स करते रहना है। दूध को तकरीबन 9 से 10 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। दूध जब तक थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए और कलर ना चेंज हो जाए, जब तक पकाना है। ये देखिए दूध कितनी अच्छी तरह से पक रहा है। नौ से 10 मिनट हो चुके हैं, दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे शक्कर यानी चीनी 1 कप। शक्कर को पहले नहीं मिलाना, अगर पहले शक्कर मिलाएंगे तो सेवइयाँ गलने में टाइम लगेगा। इसलिए जब भी सेवई फालूदा बनाएं शक्कर बाद में डालें। शक्कर को घुलने तक 1 से 1.5 मिनट तक और पका लेना है।
इसमें देखिए शक्कर घुली नहीं है, शक्कर को घुलने तक 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं, शक्कर भी घुल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स आपका जो मन करे वो डाल सकते हैं, किशमिश, बादाम, काजू, पिस्ता। हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने पहले घोल के रखा था, फिर से एक बार चला लेंगे। कस्टर्ड पाउडर जब भी डालें एक हाथ से चम्मच को चलाते रहना है, अगर लगातार नहीं चलाएंगे तो लम्स पड़ जाएंगे। कस्टर्ड पाउडर जब भी डालें गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखें। देखिए दूध भी कितनी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। सेमी फालूदा जब भी बनाएं तो कस्टर्ड पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, 1 लीटर में 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालना है। ये देखिए दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। फालूदा सेवई कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गुलाब जल, खाने वाला जो गुलाब जल होता है ना वो गुलाब जल डाल देंगे। ये देखिए गुलाब जल को मिक्स कर देना है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गुलाब जल का फ्लेवर फालूदा में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए दूध कितना गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है, एकदम क्रीमी लग रहा है। जो साइड में मलाई थी वो भी हमने छुड़ा के दूध में ऐड कर दी, इसलिए बहुत क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है। अब हम दूध को मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सेवइयों को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, अब सेवइयों को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जब सेवइयाँ हमारी ठंडी हो जाएंगी उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए, एकदम चिल्ड करना है। फालूदा बनाने के लिए सेवइयाँ एकदम चिल्ड होनी चाहिए। ये देखिए सेवइयाँ हमारी एकदम से ठंडी हो चुकी है। ठंडी ठंडी चिल्ड सेवइयों से जब फालूदा बनता है ना तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है, एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड फालूदा। ये देखिए कितनी मोटी मोटी से मलाई पड़ गई है। अब सेवइयों को साइड में रख देंगे। अब गिलास में सेवइयों को ट्रांसफ़र करना है। पहले हम गिलास में रूह अफ़ज़ा डालेंगे, 1-1 बड़ा चम्मच रूह अफ़ज़ा डालना है। और रूह अफ़ज़ा का जो फ्लेवर होता है फालूदा में बहुत अच्छा लगता है। आप रूह अफ़ज़ा की जगह पे आप रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं। अब हम गिलास में डालेंगे सब्ज़ा सीड्स यानी तुलसी के बीज। तो ये कितनी अच्छी तरह से फूल चुके हैं तुलसी के बीज। 1 चम्मच भर भर के डालना है। अब इसमें हम क्रीमी सी गाढ़ी गाढ़ी सेवइयों को डाल देंगे। इस तरह से मलाई वाला गाढ़ा गाढ़ा सा क्रीमी फालूदा एक बार आपने बना लिया तो बार बार बना के पीना चाहेंगे, इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है ना। एक बार सिर्फ मेरी इस रेसिपी से सेवई फालूदा बनाइए, गारंटी है आपको बहुत पसंद आएगा फालूदा। इतना बढ़िया सेवई फालूदा तो आपको बाज़ार में भी नहीं मिलेगा। आप एक बार बना के तो देखिए, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका फालूदा कैसा बना। अब इसके ऊपर से फिर से हम डालेंगे सब्ज़ा सीड्स। अब हम सेवई फालूदा को डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हमने लिया है होममेड जेली। ये जेली हमने घर में बनाया है, कलरफुल जेली, ग्रीन, रेड, येलो। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, इससे हम डेकोरेट करेंगे। पहले ऊपर से डालने के बाद फिर चम्मच की मदद से साइड साइड में अंदर डाल देना है जेली को। इस तरह से साइड साइड में डालना है। ये कलरफुल जेली से ना फालूदा और भी ज़बरदस्त लगता है। ये जेली खाने में भी अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है जेली। देखिए आपके पास अगर टूटी फ्रूटी हो तो आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं ऊपर से, जेली की जगह पे आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। ये देखिए चम्मच की मदद से अंदर डाल देना है जेली को। सारी जेली को हमने अंदर डाल दिया है। अब हम ऊपर से आइसक्रीम डालेंगे। आइसक्रीम आपको जो भी पसंद हो, कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम डाल सकते हैं। आइसक्रीम डालने से तो फालूदा का टेस्ट दुगना हो जाता है। आपको जो भी फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम गार्निशिंग के लिए ऊपर से काजू डालेंगे। काजू की जगह पे आप किशमिश, बादाम, कुछ भी डाल सकते हैं इस पर, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है। अब इसमें हम डालेंगे पिस्ता। अब ऊपर से हम
डालेंगे रूह अफ़ज़ा। ये देखिए कितना बढ़िया सेवई फालूदा बनकर रेडी है। देखने में भी तो बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया लगेगा, पीने में तो पूछिए नहीं, बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत टेस्टी फालूदा बनकर तैयार होता है। ये देखिए कितना कलरफुल, कितना यमी सा फालूदा बनकर रेडी है। आपने अगर एक बार भी बना लिया ना, यकीन मानिए आप बार बार बनाएंगे इस फालूदा को, कितना कलरफुल यमी सा क्रीमी सा फालूदा बनकर रेडी है। अगर मेरे ये क्रीमी यमी सेमी फालूदा की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड और रिलेटिव में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग।